गुजरात के मोरबी में हुए हादसे को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी का एक वीडियो ट्वीट कर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। वीडियो में पीएम मोदी साल 2016 में कोलकाता के विवेकानंद रोड फ्लाईओवर हादसे को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की आलोचना की थी। तो पहले पीएम मोदी का वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे। ब्रिज टूट गया, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा ब्रिज खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में कोलकाता के विवेकानंद रोड फ्लाईओवर हादसे को लेकर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की आलोचना की थी। पीएम मोदी ने हादसे को दैविक कृत बताया था। अब गुजरात के मोरबी में हुए हादसे को लेकर विपक्ष पीएम मोदी के वीडियो को शेयर कर सवाल पूछ रही है। कांग्रेस ने पीएम मोदी का वीडियो शेयर किया है और कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा है कि गुजरात में मोरबी में मच्छू नदी पर बना केवल पुल टूटा, करीब 400 लोग नदी में गिरे, 27 साल से बीजेपी शासन में है, मोदी जी ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, आपने ही कहा था कोलकाता में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर पूछा कि मैंने कहा था कि बीजेपी एक्ट ऑफ फ्रॉड का समर्थन करती है, मजबूती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। बंगाल के चुनाव के समय पुल गिरा था तो मोदी जी ने कहा था ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मोदी जी अब आप बताइए कि ये एक्ट ऑफ गॉड है कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और ऐसे कितने एक्ट ऑफ फ्रॉड गुजरात में आपकी सरकार में हुए हैं, भाजपा सरकार में हुए हैं, उस पर तो एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। कांग्रेस नेता श्रीनिवासन ने ट्वीट किया और उसके बाद वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि जब बंगाल में पुल गिरा था तब भारत के प्रधानमंत्री ने ये घटिया और बेशर्मी वाला बयान चुनावों के दौरान चंद वोटों के लालच में दिया था। क्या आज पीएम मोदी इसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कई ट्वीट करके पीएम मोदी को निशाना साधा और उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री भाइयों बहनों की जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मोरबी विधायक ब्रिजेश मेरजा को बताना होगा, जब ये पुल 26 अक्टूबर को ही मरम्मत के बाद खोला गया तो पुल कैसे गिर गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये सीधे आपराधिक षड्यंत्र नहीं है, बीजेपी सरकार ने फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर पुल को जनता के इस्तेमाल के लिए खोलने की इजाजत कैसे दी, क्या ये चुनाव आचार संहिता लगने से पहले आनंद फानन में वोट बटोरने के लिए किया गया फैसला नहीं है क्या, पुल की मरम्मत का काम ट्रस्ट को कैसे दिया गया, क्या उनका बीजेपी से कनेक्शन है, संबंध है, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा है। आपको बता दें कि गुजरात के मच्छू नदी पर बना करीब 1 सदी पुराना पुल रविवार शाम करीब 6:30 बजे गिर गया। इस पुल को 4 दिन पहले मरम्मत के बाद फिर से जनता के लिए खोला गया था। पुल पर भारी भीड़ जमा हो गई थी और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार केवल पुल जब टूटा उस वक्त महिलाएं और बच्चे थे। 26 अक्टूबर को गुजराती नववर्ष दिवस पर जनता के लिए इसे फिर से खोलने से पहले एक निजी संचालक ने लगभग 6 महीने तक पुल की मरम्मत का काम किया था, उसके बाद ये इस पुल को खोला गया था। उसके बाद अब पीएम मोदी का वीडियो कांग्रेस ट्वीट कर सवाल पूछ रही। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।